बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐशा गुप्ता इन दिनों अपनी फिटनेस तो वहीं अपने रिलेशनशिप की वजह से आ चुकी हैं सुर्खियों में। लॉकडाउन में ऐशा अपने फैंस से लगातार जुड़ी रहती हैं। इसी दौरान ऐशा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर तमाम तरह के कठिन योग आसन की तस्वीरों को भी शेयर किया है। इसके साथ ही वो लोगों के स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को लेकर प्रेरित करती हुई भी दिखाई दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने अलग अलग योगा की पोजेस शेयर करते हुए अपने फैंस को ये सभी सीख दी है। लेकिन इसी के साथ बता दें, ऐशा गुप्ता की इमेज के फिटनेस फ्रीक गर्ल यहां कहे जाने पर उन्हें खुशी तो काफी ज्यादा है। इसके पीछे कारण ये है कि वो अपनी फिटनेस से जुड़ी कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया करती है ताकि उनके फैंस मोटिवेट हो पाए। इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट भी बरसाते हुए देखे जाते हैं और ऐसे में फैन तो यहां ये तक लिखते हुए नजर आए हैं, इस तरह ही हमें योग करने के लिए प्रेरित करते रहिए मैम। एक अन्य फैन लिखते हुए नजर आए हैं, कितने कठिन योग आप कैसे कर लेती हैं। जबकि कुछ लिखते हुए ये भी नजर आए, फिट रहने का योग से अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। बहुत सारे फैंस को आप अपनी इन तस्वीरों से मोटिवेट करती हैं, थैंक यू ऐशा गुप्ता। ऐशा गुप्ता यहाँ जहाँ अपने योग की वजह से इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है, तो वहीं वो हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड की वजह से भी आई थी काफी ज्यादा सुर्खियों में। वो अभी स्पेन के एक बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में है। ऐशा के बॉयफ्रेंड मैनुअल स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरों को भी शेयर किया था। बता दें इनका पूरा नाम है मैनुअल कैपोस वुलर, जहां ये रहते हैं स्पेन में, और स्पेन के काफी अच्छे बिजनेसमैन की गिनतियों में इनका नाम शुमार होता है। वहीं अपने एक पोस्ट पर अश्लील कमेंट पोस्ट करने वालों को आड़े हाथ, जहां ऐशा गुप्ता ने हाल ही में लिया है, तब से ही ऐशा गुप्ता और भी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी है। ऐशा ने हाल ही में आगामी फिल्म की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उन्होंने देसी मैजिक जैसी फिल्मों में भूमिका निभाने का हामी भर दी है। इसका निर्माण अमीषा पटेल ने किया है। ऐशा गुप्ता Z5 के चर्चित वेब सीरीज रिचर्ड्स के दूसरे सीजन में दिखाई भी दी, जिसकी शूटिंग हाल ही में थाईलैंड में हुई। इस सीरीज से ऐशा का डिजिटल डेब्यू भी हो चुका है और इस सीरीज में एक पुलिस अफसर के किरदार में वो दिखाई दी है। बता दें आप सभी को कि प्रकाश पादुकोण की निर्देशित फिल्म चक्रव्यूह में पुलिस का किरदार निभाती हुई वो हाल ही में देखी गई थी। फैंस उनकी एक्टिंग को भले ही पसंद करते हो, लेकिन इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खासा चल नहीं पाती हैं। इंतजार है इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को देखने का आफ्टर लॉकडाउन।